जी सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां हम लोग पुनः एक बार नए विषय के साथ आज सब आप सबके समक्ष आज आमंत्रित हैं। और ये जो नया विषय है, ये आपके जीई पेपर का, जिसे जनरल इलेक्टिव के तौर पर भी जाना जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है, उस पेपर पर आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करने हेतु यहाँ पे पुनः उपस्थित है। और यह अपने आप में एक नया विषय है, क्योंकि बैचलर के विद्यार्थी होने के साथ साथ जो इजम, जिसे हम लोग वाद कहते हैं साहित्य में, या यह अलग अलग धाराओं में, हम जब साहित्य की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, तो अलग अलग धाराओं में मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो आज हम लोग विशेषतः जो साहित्य में वाद का जो आगमन हुआ है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर रेणु शर्मा मैम उपस्थित हैं। तो मैं हमारे विश्वविद्यालय, आप सभी विद्यार्थियों और अपने हिंदी विभाग की ओर से मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस व्याख्यान के लिए। आपको बता दूं कि मैडम वर्तमान में जो RI भुवनेश्वर, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में, बतौर हिंदी अध्यापिका के तौर पर कार्यरत है। इससे पहले भी मैम का लंबा अनुभव रहा है, चाहे GM विश्वविद्यालय की बात करें या रविशा की बात करें, वहां भी वो लंबे तौर पर पढ़ाती आई हैं। तो मैम स्वागत है आपका। और आज का जो विषय विद्यार्थियों, जी मैम, आज का जो विषय विद्यार्थियों, स्वच्छंदतावाद और विवेचनावाद के ऊपर है, जो आपके GEHD का 2 पेपर के ब्लॉक 1 है, जो पहला खंड है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए मैम को आमंत्रित करता हूँ। मैम आप सादर आमंत्रित है, आप अपने व्याख्यान को आरम्भ कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर अभिषेक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बतूल मुक्त विश्वविद्यालय का, जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ सकूं। मेरा नाम डॉक्टर रेणु शर्मा है और मेरा परिचय तो उन्होंने दे ही दिया है। तो आज हम सीधा विषय पे आते हैं। कई बार हम साहित्य में जब देखते हैं कि परिस्थितियां जो होती हैं, रचना हुए किस प्रकार से, आप लोगों ने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है या काव्य शास्त्र पढ़ा है या भाषा विज्ञान पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि कई दौर से वो गुजरता है। वो साहित्य एक दिन का निर्माण नहीं है। तो जिस प्रकार से उसके अंदर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल जिस प्रकार से स्थितियां आती जाती हैं, उन सब स्वरूप को लेते हुए किस प्रकार से साहित्य का निर्माण हुआ, उसी का ही एक रूप हम देखेंगे, स्वच्छंदतावाद और अभिव्यंजनावाद के रूप। स्वच्छंदतावाद शब्द से ही हम जान पाते हैं कि वो क्या है। स्वच्छंद जो आजाद हो, जो पूर्णतः मुक्त हो। तो हम इसका प्रारंभ मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक, सन 1790 के बाद और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नवीन साहित्यिक धारा के आरंभ हुआ, जिसे हम अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी अनुवाद में स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद का फ्रांस में सन 1779 हुई राज्य क्रांति से घनिष्ठ संबंध इसलिए माना जाता है क्योंकि इस क्रांति के दौरान ही स्वच्छंदतावाद ने अपने आकार को लेना प्रारंभ किया। इस क्रांति ने यूरोप में प्राचीन संस्कृति को एकदम से बदल दिया। वो कैसे बदला? जिसके कारण कि यूरोप में जो जीवन मूल्य थी क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ, जीवन में एक नए दृष्टि को, एक नए युग को स्थापित करने में बहुत सहयोग देता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है और साहित्य को हम समाज का दर्पण ही मानते हैं, जिस कारण जो है यह इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है हम यूरोप में देखने को पाते हैं। यूरोप में रोमांटिक अथवा स्वच्छंद विचारधारा को रूसो ने प्रारंभ किया था, जो शुरुआत हुई थी हमारी रोमांटिक की या स्वच्छंद विचारधारा की, उसको उसके जो है निर्माता हम मान सकते हैं कि रूसो ने इसको प्रारंभ किया। उन्होंने मानव स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज बाउंड एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र रूप से लेता है, लेकिन वो जीवन में आने के बाद कहीं ना कहीं हर समय हर स्थिति के अंदर किसी ना किसी बंधन में बंधा हुआ पाता है अपने आप को। इसीलिए वो कहते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि उन्होंने प्रकृति की ओर वापस चलिए, बैक टू नेचर वो कहते हैं, उनका जो नारा होता है, इस वजह से कि कहीं भी हम अगर बंधे हुए हैं और अगर हम प्रकृति में लौटते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं की किस प्रकार से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और स्वतंत्रता की इच्छा, प्रकृति के प्रति जो भावना थी, उसी ने यूरोप साहित्य को प्रभावित किया। इससे पहले जिस प्रकार से जो भी साहित्यकार थे वो जकड़न महसूस करते, उनके पास कई स्थितियां ऐसी होती थी कि वो खुल के अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, दे सकते हैं तो सिर्फ कुछ बंधी हुई परिपाटी के अंदर दे सकते, जिस वजह से यहाँ पर रूसो ने जो कहा कि स्वतंत्रता के रूप में आप लिखिए, अपनी अभिव्यक्ति दीजिए और प्रकृति को अपने आप में अपनाइए।
यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो 18वीं शताब्दी के यूरोप साहित्य ने प्राचीन काल के ग्रीक साहित्य को अपना एक आदर्श के रूप में ग्रहण किया और स्वयं को शास्त्रीय बंधनों से बिल्कुल भी निहित कर दिया, अलग कर दिया। इस स्थिति को जो हम मानते हैं उसे जो है अंग्रेजी में हम क्लासिसिज्म के नाम से जानते हैं। हिंदी में शास्त्रवाद और अभिजातीयवाद भी कहा जाता है। अभिजातीयवाद भी आप पढ़ेंगे अपने इस विषय के अंतर्गत, तो जिसपे आप देखेंगे कि क्लासिसिज्म क्या है, तो इसका एक स्वरूप को यहाँ पर क्लासिसिज्म भी कहा गया, जिससे साहित्य की आत्मा की अधिक उपेक्षा की। इन सब स्थितियों में जो अभिजातीयवाद था या शास्त्रवाद था या क्लासिसिज्म था, इसके अंदर साहित्य की जो मुख्य आत्मा होती है, जो साहित्य की भावना होती है, उसकी उपेक्षा की गई। साहित्य वो होता है जो एक साहित्यकार अपने अंदर से निहित भावनाओं को पूर्ण रूप दे सके, लेकिन ऐसी स्थिति में यह नहीं हो पाता। जो नवशास्त्रवादी अथवा स्वतंत्रतावादी थे, वे विलक्षण और व्यक्तिगत के विरोध से तथा सामान्य पर अधिक बल दे रहे। जो कोई भी इन सब चीजों को मानते थे या स्वीकार करते थे या इस प्रकार की परिपाटी को मानते थे, वे नवशास्त्रवाद या स्वतंत्रतावाद के जो विलक्षण और व्यक्तिगत विरोधी, वो नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रतावाद के रूप में लिखा जाए या इस प्रकार से कोई रचना हो सकती है। और इस प्रकार का विरोध तो हम हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे बात के अंदर देखते हैं। तो शुरुआत में इस प्रकार का विरोध भी हुआ था, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण प्रकृति पर सर्वत्र एक समान था। प्रकृति के रूप में उनके दृष्टिकोण एक ही था। वो मानते थे कि जैसे प्रकृति सुंदर है, प्रकृति सौंदर्यमय है समझ लीजिए, तो उसी को सौंदर्य के रूप में ही दर्शाएंगे, ना कि प्रकृति के और भी जो रूप है, उसका दुरू रूप है, कठिन रूप है, विकट रूप है, उस रूप को वो दर्शाना नहीं चाहते। उन्होंने प्रकृति को सौंदर्य के रूप में ग्रहण किया है तो सौंदर्य के रूप में दर्शाएं। ऐसे ही समाज के अंदर कोई भी स्थिति जो होती थी उसको भी वो उसी रूप में दर्शाने की कोशिश करते थे। उसमें उस परिस्थितियों के आगे या पीछे या उसकी गहराई में जाने का प्रयास वो लोग नहीं कर पाते। तो इन सब जो है आडंबर प्रियता की प्रतिक्रिया के रूप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रोमांटिक काव्यधारा का जन्म होता है, और जिससे साहित्य को सभी विकट नियमों से मुक्त कर, जो रोमांटिक भावना आती है तो वहां पर साहित्य की जो विकट स्थितियां होती है उनसे सब चीजों से निकल के धीरे 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 परिवर्तन आना शुरू होता है, और इसको मुक्त करते हुए अनुकरण के बदले इन साहित्यों को सभी विकट नियमों से मुक्त करते हुए जो साहित्य की रचना की गई और जो अनुकरण करके जो अभिव्यक्ति की गई उसको अंत प्रेरणा को अधिक बल देते हुए माना। तो इसकी मुख्य रूप रहता है अनुकरण के बदले अंत प्रेरणा को अधिक बल देना, और इस प्रकार एक नए अध्याय का प्रारंभ माना जाता है, और वो अध्याय प्रारंभ होता है स्वतंत्रता के रूप में। तो जहां हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से स्वतंत्रतावाद जो था पहली परिस्थिति के अंदर, हम पहले स्थिति में देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसके अंदर परिवर्तन आता, उसकी शुरुआत कैसे होती, क्लासिसिज्म हो चाहे अभिजातीयवाद हो, उन सब स्थितियों को किस प्रकार से पार करते हुए एक स्वतंत्रतावाद का एक दौर किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, हमने उसके प्रारंभ की रूपरेखा को एक अलग रूप में देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि स्वतंत्रतावाद जो था उसका और आगे का विकास क्रम कैसा रहा। हिंदी काव्य शास्त्र में स्वतंत्रतावाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के स्थान पर किया गया। रोमांटिसिज्म शब्द की व्युत्पत्ति जैसे हम मानते हैं रोमांटिक विशेषण से की गई, जिसमें फ्रांसीसी भाव जो है रोमांटिक, रोमांस, रोमांस आदि के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी में मध्ययुगीन यूरोप में रोमांस को जहां प्राधान्य दिया गया था, अतः वह साहित्य को प्रेम, शौर्य, छल, कपट और वासनाओं से युक्त था। रोमांस का पर्याय साहित्य बन जाता है और अंग्रेजी साहित्य में इसे स्वतंत्रतावाद का एक नया स्वरूप माना गया। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में जब काव्य शास्त्र हम देखते हैं, स्वतंत्रतावाद आपका रोमांटिसिज्म में प्रस्तुत होता है, और रोमांटिसिज्म जो था वो धीरे धीरे किस प्रकार से बदलते 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 अपना स्वरूप लेते हुए उसका एक नया उत्थान शुरू होता है और स्वतंत्रतावाद का पुनरुत्थान माना जाता है, जिसको रोमांटिक रिन्यूअल भी कहा जाता है। इसके विकास क्रम में कई दौर आते हैं। कोई भी स्थिति जो होती है जब अपना विकास क्रम लेती है तो धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पर कई स्थितियां मायने रखती हैं, जैसे सामाजिक थी, राजनीतिक थी, दार्शनिक थी, साहित्यिक थी। इन सब दौर को धीरे धीरे पार करते करते जो है स्वतंत्रतावाद अपने विकास में आगे बढ़ता है। तो जो सामाजिक स्थितियों के अंदर वो किन चीजों को देखता है कि जो सामंती प्रथा थी, जो सामंत अपनी प्रथाओं को चलाते हुए आ रहे थे और समाज को लेकर चल रहे थे, उस व्यवस्था को उन्होंने जो है हटाते हुए
और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जहाँ स्थापना हुई उस सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी स्वतंत्रतावाद पर पड़ा। और अमेरिकन स्वतंत्र युद्ध जब हुआ था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आदि जो हुई थी उसका भी गहरा प्रभाव हम देखते हैं स्वतंत्रतावाद में पड़ा, क्योंकि हमने आगे भी चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से यूरोप क्रांति में जो हुई थी उस समय वो चीज का मायने काफी आता है। दार्शनिक काल में देखते हैं तो हम विश्व कोषाकार के अनुसार जो है इसके अंदर कई जो है कवि और लेखक जो रहे वो थे शेफ्टरी वर्क तथा मेरिटस का प्रभाव काफी देखने को मिला। और दार्शनिक स्थिति में लॉन्जाइन्स यंग पर्सी आदि ने इसको स्वीकार करते हुए स्वतंत्रतावाद पर अपनी अभिव्यक्ति रचनाएं लिखी। विश्वव्यापी स्तर पर हम पूरी तरह से देखें तो इसके दो स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है शाश्वत और एक होता है ऐतिहासिक। शाश्वत जो सामने दिखाई दे रहा है और यथार्थ के रूप में हमारे सामने पूर्णतः प्रस्तुत हो रहा है, और ऐतिहासिक जो गुजर गया है और उसकी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उससे जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो स्वरूप एक सामने आता है। तो अब हम इन्होंने हमने देखी कि किस प्रकार से स्वतंत्रतावाद अपने चार स्तर पर राजनीतिक सामाजिक साहित्यिक और दार्शनिक स्तर से गुजरते हुए अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाता है और पूर्णतः अपना एक आकार ले लेता है। अब हम देखते हैं कि साहित्य में स्वतंत्रतावाद का क्या स्वरूप रहा। साहित्य के रूप में ये स्वीकार किया जाता है कि इस आंदोलन ने जो लहर आती है स्वतंत्रतावाद की इस लहर ने जर्मनी और इंग्लैंड में सन 1789 से 1803 तक काव्य और आलोचना दोनों को ही बहुत प्रभावित। जहाँ काव्य और आलोचना का जो दौर चल रहा था स्वतंत्रतावाद के स्वरूप ने उसको काफी प्रभावित किया। इंग्लैंड में जब रॉबर्ट बर्मन और विलियम ब्लैक ने इसको आश्रय दिया अंग्रेजी में वर्ड्स वर्थ को इसका उन्नायक भी मान लिया। अंग्रेजी में वर्ड्स वर्थ ने इसको जो है शुरुआत की। तो यहीं से हम देखते हैं कि कॉलरिज सेल बायरन कीट्स सर वाल्टर स्कॉट आदि के द्वारा इसका प्रसार धीरे धीरे आगे बढ़ा। जो काव्य और उपन्यास दोनों ही क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो रोमन जो स्वतंत्रतावाद था वो काव्य के साथ साथ उपन्यास के क्षेत्र में भी अपनी जो है पहुंच आगे बढ़ाता है। हिंदी के अंदर हम जब देखते हैं कि हिंदी में हम स्वतंत्रतावाद को कहाँ देखते हैं यह प्रश्न भी आता है अक्सर, तो हिंदी में स्वतंत्रतावादी आंदोलन का प्रारंभ बंगला साहित्य के माध्यम से जिसके जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए छायावादी काव्य धारा का रूप लेते हुए आकार लेता है। छायावादी काव्य तो आप सबने पढ़ा ही होगा, अगर हिंदी साहित्य इतिहास पढ़े हैं तो छायावाद में जिस प्रकार से बिंब के ऊपर स्थितियां प्रतिबिंब को देखते हुए हम किसी चीज की अभिव्यक्ति देते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर स्वतंत्रतावाद भी पूर्णतः मुक्त माना जाए। और इसका विकास काल हिंदी के अंदर हम देखते हैं छायावाद के रूप में 1920 से 1935 तक के अंदर। प्राचीन रचनाकारों में अगर हम देखें तो संयमपूर्ण अनुकरण और इन रचनाओं के आधार पर निर्धारित विषयों में छूट लेने की प्रवृत्ति स्वतंत्रतावाद की मुख्य प्रेरणा रही। इसलिए स्वतंत्रतावाद को एक तरह से रूढ़ियों से मुक्ति की चेतना माना गया। पश्चिम में 16वीं शताब्दी में मर्लो और शेक्सपियर के नाटकों में इस प्रकार के स्वरूप हमको देखने को मिलता है। स्वतंत्रतावाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान लगभग संपूर्ण यूरोप कला जगत में विशेष रूप से साहित्य में एक ऐसा आंदोलन माना जाता है जिसका उदय नव्य शास्त्रवादी निर्जीव और रूढ़िवादी कला पद्धतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जहाँ एक प्रकार से साहित्य धीरे धीरे अपने स्वरूप को ढीला मानने लगा था और अपने जो आनंद और स्वरूप को धीरे धीरे खो रहा था वहां स्वतंत्रतावाद में आकर उस चीज में एक नई जान देने की कोशिश की जिसमें व्यक्तिक प्रतिभा और कल्पना से प्रेरित होकर मौलिक रचनाओं और नए प्रयोग को महत्व दिया। तो व्यक्तिक प्रतिभा जो है यानी खुद की प्रतिभा को हम किस प्रकार से एक नया आकार देकर अपने मन चाहे स्वरूप के अनुकूल उसको अभिव्यक्त दे सकें, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको हम अपनी उड़ान दे सकें और खुद की मौलिक रचनाओं के आधार पर नए नए विषयों के साथ अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकें, यह स्वतंत्रतावाद ने हमको सहयोग दिया। साहित्य और कल्पनाओं के प्रति इस दृष्टिकोण से प्रेरित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जो थी फ्रांस की वो सबसे थी जन क्रांति। लोगों के अंदर जो क्रांति आती है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसके पीछे जियां जाक रूसो जैसे विचारकों का चिंतन माना जाता है। वे व्यक्ति के स्वतंत्रता की मांग करते हुए स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा देते।
वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र हो, समान हो और बंधुत्व का भाव हो। और इस नारे के साथ जो है यह क्रांति अपनी सफलता को प्राप्त करते हुए जैसे ही इस स्वतंत्रतावादी विचारधारा को एक नया आकार और पूर्ण आयाम दे पाती। तो इसी के माध्यम से इन्हीं तीन विचारधाराओं को लेते हुए ही धीरे धीरे जो है यह फलीभूत होती है और अपने आप को जो है विकसित कर पाती। जैसे हम देखते हैं पाश्चात्य साहित्य चिंतन में रोमांटिसिज्म अथवा स्वतंत्रतावाद को प्राय क्लासिसिज्म या अभी जो है अभिजातिवाद का विरोधी प्रकृति के रूप में देखा गया है। हम इसको विरोधी रूप में भी देखते हैं क्योंकि उन उस बात की भी अपनी खासियत रही थी, तो उन्होंने अपने बात को भी काफी महत्व दिया। तो अभिव्यंजनवाद में जहाँ साहित्य के लिए वस्तुपरक शास्त्रीय नियमों का अनुशासन आवश्यक माना जाता है, वहां स्वतंत्रतावाद आत्मपरकता के साथ रचनाकार की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता है। यहाँ हम देखते हैं जहाँ एक तरफ जो है स्वतंत्रतावाद अभिव्यंजनवाद जो है साहित्य की वस्तु परक हो, जो विषय वस्तु है उसको कुछ नियमों के अंतर्गत रहते हुए, यानी आप छंद को देखते हुए कि आप आपके लय को देखते हुए आकार को देखते हुए उस शास्त्रीय नियमों के अनुकूल ही अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रतावाद आपकी निजी अभिव्यक्ति अपने पूर्णता रूप में देने की स्वतंत्रता देता है। तो यह हमने देखा कि स्वतंत्रतावाद क्या है। कई तरह की जैसे भी हो, वैसे तो सभी वादों के अंदर हम बहुत श्रेष्ठता भी देखते हैं और कई कमियां भी हमको नजर आती हैं, तो न्यूनता भी हम देख सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रतावाद जो है भाव चिंतन शिल्प तीनों दृष्टियों से हम देखें तो अंग्रेजी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने में पूर्णतः सफल माना गया। बात काव्य को अनावश्यक बंधन ठीक है और उद्देश्य प्रधानता से मुक्त करके सहज उद्रेक के धरातल पर प्रतिष्ठित करते हुए राष्ट्र प्रेम और संस्कृति के प्रति श्रेष्ठता को जागरूक करता है। स्वतंत्रतावाद हमारे अंदर जो है जिस प्रकार की बंधन थे लिखावट के अंदर, अभिव्यक्ति के अंदर, उद्देश्य या प्रधानता से भटकाव था, उन सबको दूर करते हुए हमारे राष्ट्र प्रेम के प्रति, क्योंकि जन क्रांति का उसमें सहयोग था, राष्ट्र प्रेम के प्रति और पुरानी संस्कृति को लेते हुए अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देने में सफल माना गया। लेकिन कहीं कहीं पर इसमें इसकी हम अगर सब अच्छी बात तो नहीं कह सकते, कहीं कहीं पर इसकी अतिष्ठ होने के कारण कहीं कहीं पर दुरूह और कठिन भी होता गया है। तो स्वतंत्रतावाद जो है आपने देखा कि किस प्रकार से अपने स्वरूप में आगे बढ़ता है, 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, 18वीं-19वीं शताब्दी में आगे बढ़ता है और अपने स्वरूप को लेकर आगे तक आता है। तो ये हमारी थी स्वतंत्रतावाद के ऊपर एक चर्चा, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभिव्यंजनावाद की, जो उसका ही एक अलग स्वरूप हम उसका भी एक बात के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार। अभिषेक सर, अभिषेक सर, अभिव्यंजनावाद क्या रहा है? अभिव्यंजनावाद जो है हम इटालियन दार्शनिक बेनोदित क्रोंचे ने अभिव्यंजनावाद की स्थापना की और फिलोसफी ऑफ द रिपोर्ट विषय के अंदर में अभिव्यंजनावाद से अभिप्राय उस बात या काव्य सिद्धांत से है जिसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति को एक कला के रूप में अभिव्यक्त करने को माना जाता है। किसी भी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए उसका एक लय होती है, एक शैली होती है और कोई भी बात को कहने का एक तरीका होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसकी अभिव्यक्ति की कला है, किस प्रकार से वो कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार कलाकार या कवि मात्र अपने अंतर की भावना को जो है प्रकाशित करता है लेकिन बाह्य वस्तु का रूपांतरण नहीं करता। यहाँ पर जो कवि होता है या लेखक होता है वो लेखने के माध्यम से सिर्फ अपनी अंतर भावनाओं को प्रकट करता है, बाह्य या फिर रूपांकन में उसका आडंबर को उसको नहीं जोड़ता। यह भावना उसकी शुद्ध वैयक्तिक वस्तु होती है जिसकी सार्थकता या अभिव्यक्ति करने में रहती है। तो ये जो भावना होती है अभिव्यंजनावाद, इसके अंतर्गत हम ये जो चीज समझते हैं इसको कोई भी लेखक या कवि जब अभिव्यक्ति देता है तो वो स्वयं के अंदर की अभिव्यक्ति होती है, उसको हम बाह्य रूप नहीं दे सकते,
ना ही हम उसको किसी अलग स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते। यह बिल्कुल निजी तौर पे हुई और इसके ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है कि आप किस प्रकार अभिव्यक्ति देते हैं। समझ लीजिए कि हम किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है, क्या है, ये दो शब्द हैं, लेकिन कहने के तरीके, हमारे कहने की इच्छा कैसी है, हमारे कहने की लय कैसी है, हम प्यार से पूछते हैं क्या है, यानी हम किसी की फिक्र में पूछ रहे हैं क्या है, उस समय पूछ रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई हमसे कुछ पूछे। तो उस प्रकार से जो होती है यहाँ पर अभिव्यंजना वही है कि हम अपनी भावनाओं को किस रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं और उसी के स्वरूप को या उसी बात को हम आगे चर्चा में करेंगे। इसका उद्भव और विकास जो माना जाता है 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाज शास्त्री के क्षेत्र में, जो समीक्षा शास्त्र के क्षेत्र में दो विचारधाराएं बहुत प्रभावशाली, प्रथम कला कला के लिए तथा कला लोकहित के लिए, दो रूप को हम लेके चलते हैं, सब सबसे महत्वपूर्ण है। दो विचारधाराएं थी, एक कला है जो कला कला के लिए, यानी जो कलाकार है, जो कला करता है, जो बोलता है, जो अपनी अभिव्यक्ति देता है, वो सिर्फ उस कला के लिए यानी उस साधना के लिए करता है। दूसरा जो है कलाकार, जो लेखक है या जो कलाकार है, जो अभिव्यक्ति देता है, वो समाज के हित के लिए देता है, यानी दूसरा जो है कला लोकहित के लिए। एक कला है जो सिर्फ कला के लिए है और एक कला है जो कि समाज के हित के लिए यानी लोकहित के लिए मानी जाती है। प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत समाज की पूर्णतः अवहेलना की गई, जहाँ कला का अलग के कहा गया, वहां पर समाज को पूर्णतः जो है अवहेलना की गई। यहाँ पर नहीं देखा गया कि सामाजिक स्थितियां क्या हैं, सामाजिक स्थितियों का स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, समाज को किस चीज की जरूरत है, समाज को किन हालातों से गुजर रहा है और उसको किस स्वरूप को हमको उसको प्रत्यक्ष रूप से दुनिया को दिखाना चाहिए ताकि उसमें कुछ बदलाव हो सके और उसको कुछ अच्छा हो सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर सिर्फ अपनी कला को दिखाने के लिए, स्वयं की सुंदरता को दिखाने के लिए, स्वयं की क्रिएटिविटी को दिखाने की कोशिश के अंदर ही कला कला को ही महत्व दिया गया, समाज की पूर्णतः अवहेलना की। इन साहित्यकारों की रचनाएं अश्लीलता की इतनी सीमाओं को छू गई थी कि जिसे पढ़ने में भी अजीब सा संकोच होने लगता था, या आप संपूर्ण रूप से पूरी तरह से कहीं बाहरी रूप में उसको पढ़ने में भी आपको जो है कठिनाई महसूस होने लगी थी। ऐसी स्थिति में जब द्वितीय वर्ग आया, अत्यधिक आदर्शवादी और नैतिकता के अधिक जो है अधिक बल देता है, इसमें सौंदर्य पक्ष से उपेक्षित रहा। और जो दूसरा पक्ष आता है कला साहित्य के लिए, इसमें क्या किया गया, अत्यधिक जो आदर्शवादी बल, आदर्शवादी बनने के कारण क्या क्या उन्होंने समाज के स्वरूप की बुराइयों को दिखाने के इतनी गहराई तक दिखाने की कोशिश की जाने लगी कि जिसके अंदर सौंदर्य या कला पक्ष तो पूरा लोप ही हो गया। साहित्य को दर्शाने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी घटनाक्रम को दिखा रहे हैं उसके प्रत्यक्ष स्वरूप को दिखाएं, ना कि हम उसमें कला पक्ष की अति करें ना व्यक्तिगत पक्ष की अति करें, उसके अंदर के समतुल्य और समानता को बनाए रखते हुए जो अभिव्यक्ति होती है वही एक उत्कृष्ट साहित्य हो पाता है। और दोनों स्थितियों में इसका जो है स्वरूप हम देखते हैं कि कठिन हो जाता है। तो दोनों ही हम यहाँ पर मानते हैं कि दोनों ही जो स्थितियां थी वो दोनों स्थितियां कला कला के लिए और कला जनहित के लिए जो थी दोनों ही अतिवादी, दोनों में ही अति थी। प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे विद्वान को आवश्यकता का अनुभव किया गया जिसने उक्त दोनों अतिवादी विचारधाराओं के अंदर किसी प्रकार से एक समन्वय की भावना बनाते हुए उसको आगे लेने की कोशिश करे। इस मांग की पूर्ति अभिव्यंजनावाद ने 20वीं शताब्दी से शुरू की और यहाँ से 20वीं शताब्दी से हम देखते हैं अभिव्यंजनावाद शुरू होता। इससे पहले हमने देखा स्वतंत्रतावाद 1890वीं शताब्दी तक गया, 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावाद अपना प्रारंभ लेता है। यूरोप में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुई, तभी से समाज शास्त्र पर कल्पनावाद या फिर स्वतंत्रतावाद का प्रभाव हम देखने को पाते हैं। जर्मन के लेसिंग, विकेलमैन, गेटे आदि दार्शनिक और कला समीक्षक इस विचारधारा के मुख्य पुरोधा माने गए। लेसिंग का सिद्धांत सौंदर्य सिद्धांत कहलाता है, यह मुख्य है, लेसिंग यहाँ पर मुख्य रहे थे। इनके अनुसार काव्य और कलाएं आत्मा के सौंदर्य का अभिव्यक्त करती है, जो काव्य है और उसकी जो कला है वो हमारे आत्मा के सौंदर्य को यहाँ पर प्रस्तुत करती है, अभिव्यक्त करती है, और आत्म सौंदर्य से संपन्न अभिव्यंजना ही काव्य है। और उनके अनुसार जो आत्म सौंदर्य हमारे अंदर की सुंदरता की जो अभिव्यक्ति है उसको वे अभिव्यंजना कहते हैं। लेसिंग भाव अभिव्यंजना को काव्य का मुख्य उद्देश्य मानते हैं, उसके कलागत सौंदर्य को भी वो काफी मुख्य अनिवार्य अंग साहित्य का मानते हैं।
तो उनका कहना है कि काव्य का सौंदर्य ही हीन अभिव्यंजना श्रेष्ठ अभिव्यंजना नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार लेसिंग के अनुसार कला में सौंदर्य एवं अभिव्यंजना के तत्वों में समतुल्य समन्वय आवश्यक माना गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेसिंग के अनुसार जो कला में सौंदर्य और अभिव्यंजना के तत्वों के अंदर दोनों में जहाँ एक तरफ से अभिव्यक्ति है सौंदर्य है और जहाँ उसकी अभिव्यक्ति है एक संतुलन की स्थापना को उन्होंने साहित्य कला का मुख्य स्वरूप माना। विकिलमैन ने लेसिंग के सौंदर्य को आगे बढ़ाते हुए अभिव्यंजनावाद के तत्वों को और अधिक स्पष्ट किया और उन्होंने उसी को उन्होंने जिस प्रकार से साहित्य के स्वरूप पर दर्शाया और कहा, यहाँ पर जो है विकिलमैन ने भी उसी को आगे मानते हुए उसमें कुछ और चीजों को जोड़ा, जैसे वह कला में अभिव्यंजना को प्रधानता देते हुए उसके अंतर्गत और बहिरंग में संतुलन के पक्ष दर्शाया। उन्होंने कला के और अभिव्यंजना कला के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति के साथ साथ हम उसके अंतर्गत यानी उसके मनुष्य के अंदर की भावना सामाजिक स्थितियों की परिस्थितियां और बाहरी हालातों को भी अंदर समतुल्यता के साथ दर्शाने की कोशिश को भी उन्होंने अभिव्यंजना में माना। कांट ने कला का स्थान विशुद्ध ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के मध्यवर्ती मानकर कला को अनुभूति का क्षेत्र माना। इसी के साथ उसने सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग और इस नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति को एक नया नाम दिया जिसे कि रोमांटिसिज्म में भी कहा गया, जिसपे हम चर्चा भी कर चुके हैं। इसके अनुसार कवि को किसी बाह्य प्रकृति या नियम से शासित या बाधित नहीं किया जाता। रोमांटिसिज्म के अंतर्गत जो हमने माना इसमें हम किसी भी प्रकार की बाह्य प्रकृति या नियम को शासित होकर या बंधन में बंद कर रचना करें ऐसा नियम नहीं माना गया। आगे चलकर कॉलरिज आदि कवियों ने कवि की मार्मिक चेष्टा को ही कला निर्माण का एकमात्र आधार घोषित किया। किसी भी कवि की आंतरिक चेष्टा मार्मिक यानी उसके जो मन को स्पर्श करने जैसी अभिव्यक्ति जो है उसी को ही कला का एकमात्र आधार माना। इसके अलावा कोई चीज को उन्होंने इससे अधिक महत्व नहीं दी। कहने का अर्थ यह है कि कोई कवि या लेखक जो होता है जब वो अपनी अभिव्यक्ति देता है या अपने स्वरूप को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है तो वैसी स्थिति के अंदर उसकी जो स्वयं की अनुभूति होती है अभिव्यक्ति होती है उसमें किसी प्रकार के आडंबर या कोई दुराह न हो इस चीज को देखते हुए इस बात को कहा गया कि उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति और पूर्णता स्वरूप में हो तो उसी को दिखाने की कोशिश की। इसके अनुसार दार्शनिक ज्ञान व्यवहारिक और नैतिक तथ्य कला वस्तु की भिन्नता के सिद्धांत की स्थापना साथ में हम क्या चीज देखेंगे कि दार्शनिक ज्ञान होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कम से कम उनको अंदर वो दार्शनिकता होनी जरूरी है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति का एक व्यवहारिक ज्ञान कि हम उसको जब अभिव्यक्ति दे रहे हैं हमारी भावनाओं को हम कैसे भी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। अगर हम उसको समाज के रूप में साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको एक आकार देना होगा जो समाज के लिए हितकारी हो सके समाज के अनुकूल हो सके। तो उसी हिसाब से हम उसकी जो है व्यवहारिक या नैतिक तथ्य की वस्तु को भी और दार्शनिक पक्ष को भी मुख्य रूप से देखते हुए अभिव्यक्ति करते हैं। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज गेटे आदि अधिक अनेक कवियों ने संवेदनाओं बिंब व्यक्तिक दृष्टिकोण आदि के रूप में आत्मभिव्यक्ति अर्थात अभिव्यंजनवाद का समर्थन किया और सन 1901 में अभिव्यंजनवाद की चर्चा प्रारंभ हुई अधिक रूप से। यहाँ से इसमें साहित्य और समालोचना को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया और पाश्चात्य नहीं भारतीय विद्वान में भी अभिव्यंजनवाद एक चर्चा का विषय बन जाता है। अभिव्यंजनवाद का सिद्धांत क्या है? यहाँ हम अभी देखें कि किस प्रकार से अभिव्यंजनवाद की प्रारंभ होता है। 19वीं सदी में हम इसको देखते हैं कि ये अपना विकास ले लेता है लेकिन 19वीं सदी से इसका प्रारंभ का आरंभ होते होते आगे बढ़ते बढ़ते 20वीं सदी में पूर्ण आकार ले लेते। अभिव्यंजनवाद एक कला का सिद्धांत जिसे हमने चर्चा भी की। अभिव्यंजनावाद की प्रक्रिया को समझकर अभिव्यंजनावाद को सरलता से ही हम समझ सकते हैं कि क्या है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कलाकृति को समग्र भाव को हमारी अंत प्रकृति जब विशुद्ध रूप से अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करती है और उसे उसी रूप में ग्रहण करती है जैसा ग्रहण किया गया प्रकट करती है तो अभिव्यंजना। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो अभिव्यंजनावाद को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जब समग्र कलाकृति कलाकृति का समग्र प्रभाव जो होता है जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं या कोई भावना हमारे अंतर्गत आती है हमारे यानी कि लेखक के अंदर ठीक है और अपनी अंत प्रकृति को विशुद्ध रूप से यानी बिना किसी मिलावट के जैसा हमने उसको ग्रहण किया अपने अंदर
यानी हमने प्रकृति की किसी तस्वीर को देखा, किसी नदी को देखा, किसी झरने को देखा और हमने उसको उसी रूप में अपने अंदर ग्रहण किया। उसको ग्रहण करके, ठीक है, के अनुसार उसको ग्रहण करते हैं विशुद्ध रूप से अपनी क्षमता के अनुसार। हम किसी को नदी के अंदर बहुत सुंदर पानी दिखाई दे रहा है, किसी को नीला पानी दिखाई दे रहा है, किसी को नीले के साथ हरा पानी दिखाई दे रहा है। तो जिसको जैसा दिख रहा है, कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो लेखक है वो अपने अंदर विशुद्ध रूप से अपनी क्षमता के अनुकूल जिस विषय वस्तु को देखता है, जिस स्थिति को देखता है, जिस दर्पण को वो देख रहा है, उसको उसी के अनुकूल ग्रहण करे, अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करे और ग्रहण करने के बाद उसको उसी रूप में अपने अनुकूल यानी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से उसको जैसा ग्रहण किया है उसको प्रकट कर दे। जैसा उसने देखा, जैसा उसने जाना, जैसा उसने सुना, जैसा उसने समझा, उसको उसी रूप में जब उसको प्रकट करता है तो वो होती है अभिव्यंजना। खुद के अंदर की अभिव्यक्ति को दर्शाना वो है अभिव्यंजना, और उसी प्रक्रिया को अभिव्यंजना प्रक्रिया कहा जाता है। एक सहज रूप में होगा जो आप देखेंगे कि सत्यदेव, श्री सत्यदेव मिश्र ने इसको कई तरह से प्रस्तुत किया है, यानी क्या तरीके से प्रस्तुत किया है, कहने का अर्थ है एक है अंत संस्कार अथवा आत्म संवेदन, दूसरी है अभिव्यंजना, तीसरा है अनुसांगिक आनंद और चौथा है अभिव्यक्ति। इस चार माध्यम से किस प्रकार, अगर आप, मैं आपको चर्चा करती हूँ, इससे आप जान पाएंगे कि अभिव्यंजनावाद किस प्रकार। यह एक सरल प्रक्रिया है, किसी भी कलाकृति को देखकर मन पर पड़ने वाला जो सहज प्रभाव होता है और उससे उठने वाली विभिन्न संवेदनाएं उसको जो है जब निर्माण देती हैं तो उसकी जो छवि पड़ती है वो है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजना, इसे स्वयं प्रकाश और सौंदर्य भी कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में जो हम देखते हैं कि यह इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। क्रोनचे की मान्यता भी सत्य स्वयं प्रकाश ज्ञान होता है और अभिव्यंजना भी माना जाता है। जब संवेगों से भिन्न होता है, संवेग क्षणिक होते हैं और अरूप होते हैं, हमारे अंदर जो भावना होती है वो क्षणिक आती है फिर चली जाती है, तो उसका एकदम से स्वरूप नहीं हो पाता। वे तभी स्वयं प्रकाश ज्ञान का रूप ग्रहण कर पाते हैं जब किसी बिंब को धारण, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो एक क्षण के फिर हमारे अंदर भावना को उत्पन्न करता है, लेकिन जब हम उसकी एक छवि बना लेते हैं अपने अंदर, हमने किसी सौंदर्य को देखा, किसी झील को देखा और हम देख के भूल गए, ऐसा नहीं, हमने झील को देखा और हमने उसको एक स्वरूप में मान लिया कि एक सुंदर सी झील हमने देखी है जिसमें नीला पानी बह रहा है, ऐसा हमने अगर मान लिया, उसका एक बिंब बना लिया, तो समझ लीजिए उस बिंब को जो धारणा होती है उसकी अभिव्यक्ति में सहयोग। तो यहाँ पर जो है क्रोनचे ने इसको इस रूप में प्रस्तुत किया कि एवरी जो है एवरी टाइम इंस्टीट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यंजना ही कल जो है को ही कला माना गया, जो अपने अंदर की अभिव्यक्ति होती है उसी को कला मानते हैं। इसी से साहित्य के स्थान कला में उच्च कोटि आता है। क्रोनचे के अनुसार स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी बौद्धिक क्रिया या विचारधारा पर हम आधारित नहीं मानते, यह आत्मा की एक सहज कृति है जो अपने आप ही धीरे धीरे स्वयं रूप में प्रकाशित होती है या अभिव्यक्त होती है। इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति हमारी परंपरागत धारणा एक बन गई कि प्रकृति सुंदर है, यह धारणा भी स्वयं प्रकाश है, यानी खुद के अंदर से हमने मानी है, जिसे उसे अभिव्यंजना माना गया। सौंदर्य का आधार जो है अभिव्यंजना ही माना जाता है, जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं वही एक आधार माना जाता है। वी मे डिफाइन ब्यूटी इज सक्सेसफुल एक्सप्रेशन और बेटर ऑन एक्सप्रेशन एंड नथिंग मोर बिकॉज एक्सप्रेशन व्हेन इट इज नॉट सक्सेसफुल इट्स नॉट एक्सप्रेशन। अगर सौंदर्य ही अभिव्यंजना माना गया, अभिव्यंजना सफल और सार्थक अगर नहीं है, यानी हम अपनी भावनाओं को उसी रूप में या उसके सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति नहीं दे पाते और उसके साथ न्याय नहीं कर पाते, तो हम जो है अभिव्यंजना नहीं कर सकते। यानी किसी विषय वस्तु को जिस रूप में हमने देखा है, ग्रहण किया है, सीखा है, समझा है, अपने अंदर उस चीज को जिस हद तक हमने गहराई में उसको माना है, उसको उसी स्वरूप में अगर हम अभिव्यक्ति का आकार नहीं दे पाते हैं तो समझ लीजिए वो अभिव्यंजना जो है निरर्थक हो जाती है। क्रोनचे की मान्यता है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान सहज अनुभूति का विषय है, ठीक उसी प्रकार कला भी सहज अनुभूति पर आधारित मानी जाती है। क्रोनचे यह तो मानते हैं कि कलात्मक अनुभूतियां अपेक्षाकृत व्यापक और जटिल होती हैं, पर उन्हें स्वयं प्रकाश ज्ञान की कोटि में रखना अधिक महत्वपूर्ण। दूसरी विशेषता हम जो देखते हैं कलात्मक अनुभूति और सहज अनुभूति में पाने, जो कलात्मक अनुभूति में रूप में आए और एक सहज अनुभूति में आए, वह तीव्रता है।
इस दृष्टि से ही दोनों समान मानी जाती हैं। यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सहज ज्ञान कला और अभिव्यंजना में अंतर। तो यहाँ पर क्रोचे एक बात जो कहने की कोशिश करते हैं वो यह है कि जो सहज ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान है, और जो उसको प्रस्तुत करने का जो लय है जो कला है उसमें और अभिव्यंजना में अंतर नहीं है, क्योंकि जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं उसको उसी रूप में अगर अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो अभिव्यंजना ही है। तृतीय में हम देखते हैं आनुषंगिक आनंद जो है वो क्या है। तो अभिव्यंजना के आत्मनाद की अनुभूति होती है, या यूं कहें कि उचित रहेगा कि अभिव्यंजना के अवसर पर एक विशेष प्रकार का हमको आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद भाव विशेष सौंदर्य विशेष की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित भी करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अभिव्यंजना करते हैं किसी उसी विषय के ऊपर, तो वो जो भाव विशेष होता है वो सौंदर्य की अभिव्यक्ति उसी सौंदर्य के रूप में करने के प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए सत्यदेव मिश्र ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यंजना के प्रथम स्तर पर अंत संस्कार आते हैं, यानी कि हमने जो पहले पढ़ा अंत संस्कार, यानी जब हम अभिव्यंजना देते हैं तो सबसे पहले अंत संस्कार आता है। अंत संस्कार का अर्थ हम जो हमने देखा कलाकृति को देखते हैं और उसका प्रभाव जो हमारे अंदर पड़ता है वो अंत संस्कार। दूसरे में सहज ज्ञान और अभिव्यंजना। दूसरा स्तर हमारा जो अभिव्यंजना का क्या होता है, जब हम उसको महसूस करते हैं और उसको एक छवि या प्रतिबिंब का आकार दे देते हैं। किसी वस्तु या किसी प्रसंग के वस्तु के दर्शन से मन में स्थित संस्कार का उद्भव होना, और अंत संस्कार में उद्भव होने से जो कलाकृति या मूर्ति अथवा आत्मा में प्रतिबिंबित होती है वही सहज ज्ञान है कलाकृति। तो जब हम देखने के बाद हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ा, हमारे अंदर जो वो प्रभाव आया तो उसके लिए हमने एक प्रतिबिंब को जोड़ा, उस प्रतिबिंब को जब हमने अभिव्यक्त किया और अभिव्यक्त करने के बाद हमने उसको एक आकार का रूप दिया, यानी उसी भावना के रूप में प्रस्तुत किया, वो है अभिव्यंजना बात। इसके चार स्तर हो जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः काल्पनिक मानसिक और आत्मिक होती है। इसका बाह्य प्रकृति तथा अंत प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता। यह पूर्ण रूप से आपके खुद की कल्पना और आपके अभिव्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ना कि आप किसी चीज को देख के या पढ़ के सीख के उसको कर पाए। यही सहज जो है ज्ञानात्मक स्तर है, क्रोनचे ने इसे ही कला को माना। इनकी दृष्टि में यह स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनकी धारणा है कि कलाकार इस क्रिया की ओर विशुद्ध आत्म सुख के कारण प्रभुत होता है और उसकी आत्मानुभूति अभिव्यक्ति का एक स्वरूप ले लेती है। यही पूर्ण अभिव्यंजना का स्तर माना जाता है। अंत में हम देखते हैं अभिव्यक्ति। आनंद अनुभूति तो है ही, लेकिन आनंद जो है अभिव्यंजना भी है। हम आनंद को अनुभव तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो अभिव्यंजना भी माना जाता है। जब तक आत्म संवेदन अथवा अंत संस्कार का उद्बोधन अभिव्यक्ति के स्तर को प्राप्त नहीं होता वह अभिव्यंजना नहीं होता। जब तक हम किसी विषय को देखते हैं और उसका उद्बोधन यानी अपने अंदर उसको महसूस नहीं करते हैं, और उसको अभी महसूस करने के बाद जब तक हम उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं उसको अभिव्यंजना हम नहीं मानेंगे, उसके पूर्व की स्थिति को मानेंगे, यानी वो हमारे अंदर है वो अभिव्यक्त नहीं हुआ है। इसके बाद इस कलाकार का आनंद यानी विभिन्न माध्यम से, जैसे चाहे हमारे अंदर जो चीज हमने देखी जिस स्थिति को हमने देखा उसको हमने शब्द का रूप दिया, विषय का रूप दिया, अलंकारों से सजाया, अपनी अभिव्यक्ति दी और जन सामान्य उसको बोध कराया, यानी हमने उसको प्रस्तुत किया। यह है अभिव्यक्ति। जब हम किसी चीज को देखते हैं उसको रूप देते हैं, आकार देते हैं, शब्द देते हैं और उसको संयोजन बना के एक प्रस्तुत रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब जाके उस अभिव्यक्ति को हम पूर्ण रूप से अभिव्यक्त मान पाते हैं। और तभी वो एक कोई साहित्य की कोई रचना हो सकती है या कोई आकार हो सकता है जिसे पढ़ने का कोई अर्थ होता है। पर क्रोनचे की मान्यता है कि अभिव्यंजना एक सूक्ष्म मानसिक क्रिया है, आत्मिक आनंद का स्तर है, अतः कलाकार अभिव्यंजना के वास्तविक स्वरूप को जो है स्थूल रूप नहीं दे सकता। अभिव्यंजना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो सही रूप से अभिव्यंजित कर पाए वही अभिव्यंजना को जीत सकता है और साहित्य को एकदम से सही रूप दे सकता है। चारों स्तरों का हम समन्वय करते हैं, यानी कि अंत संस्कार का या अभिव्यंजना का या अनुसांगिक आनंद का और अभिव्यक्ति का, तो हम पाते हैं कि क्रोनचे द्वारा प्रदत्त अभिव्यंजना के चारों स्तरों में से अंत संस्कार उद्बोधन संबंधी प्रथम स्तर अभिव्यंजना को पूर्ण रूप देने में सहयोगी है। उद्भुत संस्कार जन्य सहज ज्ञान की अनुभूति और आत्मा में होने वाली उसकी मूर्त अभिव्यक्ति द्वितीय स्तर है अभिव्यंजना का एक वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है। अभिव्यंजना बाद का आनंद जो है तीसरा है, यानी जब हम सबसे पहले देखते हैं
कि हमने विषय को देखा, उसको जाना, उसको प्रस्तुत किया, दूसरे में हमने उसके आकार को माना, तीसरे में जो हम देखते हैं कि उसका आनंद कितना हो सकता है, वो किस प्रकार से हमको सुखद अनुभूति दे पा रहा है। कलाकार द्वारा किसी माध्यम से उसको स्वरूप देना, साहित्य, कला, आत्मसात, सौंदर्य, शब्द, किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति जो होती है वो अंततः उसका चौथा स्तर मानी जाती है। पर क्रोंचे ने इसे पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं मानता है, क्योंकि अभिव्यंजना आंतरिक क्रिया है और आत्मा के भीतर घटित होने वाली आंतरिक व्यापार है, जिसका बाह्य प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि अभिव्यंजना जो है, हम उसको रूप तो देते हैं, आकार भी देते हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्रोंचे इस बात के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक इंसान महसूस करता है, जरूरी नहीं कि दूसरा मनुष्य भी उसको उसी रूप में महसूस कर पाए। तो यहाँ पर जो फर्क हो जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी की भावना के अंदर, इसलिए वो इस बात को पूर्णतः ग्रहण नहीं करते कि जैसा हम देख रहे हैं या जैसी अभिव्यक्ति हो रही है वो पूर्ण रूप से सही है, या सामने वाले के लिए भी वो उसी रूप में हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति को नहीं मानते, अभिव्यंजना आंतरिक क्रिया है, आत्मा के भीतर घटित होने वाले एक आंतरिक व्यापार है, वो हमारे अंदर के घटित होने वाले एक व्यापार है जो हमें खुद को ही अनुभूति और सुखद आनंद देता है, ठीक है, जिसका बाह्य किसी स्थिति से, प्रकृति से या किसी दूसरे विकार से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये प्रकृति तो अभिव्यक्ति में सहायक होती है और आत्मसात सौंदर्य से सीधा संबंध नहीं होता, बस हम उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम शब्दों को बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर की भावना को हम वो स्वरूप में, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, उसको पूर्ण आकार हम दे सके शब्दों के माध्यम से, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा क्रोंचे मानते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि अभिव्यंजनावाद क्या है, उसके चार स्तर क्या हैं। तो सहज रूप में मैं आपको बता दूं कि पहला स्तर में जो हम मानते हैं कि किस प्रकार से अभिव्यंजनावाद जो है, किसी विषय को देखना और उसको तस्वीर को हमारे आंखों के सामने आना, दूसरे में उस तस्वीर के लिए हमारे मन में उस भावना के लिए कोई आकार दे देना, कोई नाम दे देना, तीसरे के अंदर उस भावना से जुड़ी हुई हमारे अंदर की जो आनंद अनुभूति का उत्पन्न होना, और चौथा स्तर होता है उस उत्पन्न अनुभूति को एक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास। यह है आत्मभिव्यंजना, यानी जिस किसी विषय को हमने अपने अंदर लिया, ग्रहण किया, सीखा, समझा, महसूस किया और उसको अपने दौर से, अपने तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया वो है आत्मभिव्यंजन। इसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं, जो कि है अभिव्यंजनवाद का निरूपण कला के लिए या कलाकृति के लिए नहीं माना जाता। कला की अभिव्यक्ति के लिए कलाकार विवश है। अगर हम कोई कला है, कोई विषय वस्तु है, कोई घटना है, उसको व्यक्त करने के लिए कलाकार तो विवश है, ठीक है, क्योंकि वह अनुभूति के सहज और स्वाभाविक उन्मेष है। प्रकृति का रूप देना जो है उसके हाथ, हम उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे वो कलाकार के ऊपर है, और कृति के रूप में यानी किसी रचना के रूप में उसको प्रस्तुत करना वो जो है हमारे हमारे हाथ में है। तो कहना है कि कला को एक आत्मिक क्रिया के रूप में प्रतिष्ठित करके क्रोंचे ने काव्य का सौंदर्य के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं माना। तो इसका पूरा मूल अगर आप ले लें वो ये हो जाता है कि क्रोंचे कहते हैं कि जो है एक आत्मिक क्रिया के रूप में, कला जो है एक आत्मिक क्रिया के रूप में प्रतिष्ठित करके, हम हमारी भावनाओं को एक स्वरूप में प्रतिष्ठित करके सौंदर्य के अतिरिक्त उसमें उसको हम जितना बेहतर, सौंदर्य का अर्थ यहाँ पर नहीं है कि बहुत सुंदर तरीके से सजा रहे हैं, सौंदर्य का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि उसके साथ हम कितना सार्थक न्याय के साथ, जैसा हमने महसूस किया, लगभग उसके जितने क्लोज हो सकते हैं उस तरह की अभिव्यक्ति हम दे पाए, तो वो अभिव्यंजनावाद की सार्थकता मानी जाए। और क्रोंचे ने सहज अनुभूति को ही अभिव्यंजना कहा, यानी जैसे हमने महसूस किया, सहज अनुभूति, जैसी अनुभूति हुई वैसी अभिव्यक्ति हुई, उसी को अभिव्यंजना कहते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति में वो भेद नहीं मानते, यानी जैसा आपने महसूस किया उसको आप वैसा ही प्रस्तुत करें। उनकी धारणा है कि जैसे फिल्टर से छना पानी उसी रूप में शुद्ध जल होता है, उसी प्रकार विषय वस्तु और शैली में कोई भेद नहीं है। हम पानी को छानते हैं, पानी को छानने के बाद सिर्फ इतना ही होता है कि पहला जो पानी था उसमें थोड़ा बहुत कुछ कचरा होगा और छानने के बाद वो जो है वो कचरा से निकल गया, लेकिन पानी तो वही है। कि उसी प्रकार से जो विषय वस्तु है, हमने यहाँ पर विषय वस्तु हमने जो उसको ग्रहण किया, अपने अंदर लिया और उसके बाद उसको जो अभिव्यक्त किया, तो विषय वस्तु भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, शैली में कोई भेद नहीं है, बल्कि अभिव्यक्त किया हुआ विषय वस्तु किए हुए विषय वस्तु का विशेष रूप होता है।
हम ये मान सकते हैं कि जैसे पानी फिल्टर होने के बाद ज्यादा स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कोई विचार या कोई घटना या कोई चीज हम देखते हैं और उसको हम अपने अंदर एनालिसिस करके उसको अभिव्यक्ति देकर एक नया स्वरूप दे पाते हैं, तो वो मान लीजिए कि वो आत्मव्यंजना है और वो उसका सही स्वरूप हो जाता है, यानी उस विषय का सार जो है उसका फिल्टर रूप हम देख पाते हैं। तीसरे में हम देखते हैं कि कॉन्शियस जो है समग्रवादी सिद्धांत को पक्षधर थे। समग्रवादी सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक पोल को लेके वो चलते थे। वे कलाकृति के विभिन्न उपादानों के तथ्यों को बल देते थे, यानी किसी भी कलाकृति के जो अलग अलग उपादान है यानी जिन जिन माध्यमों से हम हमारी कला को अभिव्यक्त कर सकते हैं उन सभी को वो महत्व देते थे। विषय वस्तु, शैली, पद, योजना, भाव, विचार, अलंकार आदि के विभिन्न तत्वों को खंड खंड करके की जाने वाली मीमांसा को भी कलाकृति की हत्या मान। अगर कोई विषय वस्तु हमें मिलती है, कोई विषय को हम देखते हैं और उसको हम कहीं पर ऐसा करते हैं कि उसमें हमने शैली बड़ी अच्छी जोड़ दी लेकिन बाकी चीजों को नहीं ध्यान दिया, किसी के अंदर हमने बहुत अच्छा शब्द जोड़ दिया और उसका कला पक्ष पर कमजोर कर दिया, किसी में भाव को बहुत गहरा कर दिया लेकिन उसके जो है सौंदर्य पक्ष को कम कर दिया, तो ऐसे अगर किसी विषय को लेके हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं या सिर्फ एक ही पक्ष के पर जोर देते हैं दूसरे पक्ष को कमजोर करते हैं, तो वो यहाँ पर मानते हैं कि उस विषय की हत्या की जाती है, टुकड़ा टुकड़ा करके उसका जो है काटा जाता है। वो इस चीज के पक्षधर नहीं थे, उनके अनुसार यानी वो कहते थे कलाकृति का मूल्यांकन उसकी पूर्णतः अखंडता में, यानी जो कलाकृति है उसके अंदर चाहे भाव पक्ष हो, भाषा पक्ष हो, विचार पक्ष हो, अभिव्यक्ति पक्ष हो, अनुभूति पक्ष हो, उस सबके अंदर एक अच्छा समन्वय होना बहुत आवश्यक है, तभी वो अखंड मानी जाएगी, नहीं तो वो खंडित मानी जाएगी या वो किसी तरह से बाधित मानी जाएगी। उनकी धारणा है कि जिस प्रकार सौंदर्य अखंड है उसका जो श्रेणी विभाजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार कला भी अखंड, उसकी कोई कोटि नहीं हो सकती। तो यहाँ ये बात भी वो जो कहते हैं कि सौंदर्य जो होता है वो कोई विभाजित नहीं है। हम एक गुलाब के फूल को भी सुंदर कह सकते हैं, एक गेंदे के फूल को भी सुंदर कह सकते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने सौंदर्य, हम किसी सौंदर्य इसका सौंदर्य अधिक है या उसका सौंदर्य कम है ऐसा हम आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सौंदर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही सौंदर्य अपने 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 अद्वितीय माना गया है। ये उसी प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सौंदर्य का विभाजन नहीं हो सकता उसी प्रकार कला का विभाजन नहीं हो सकता। किसी वस्तु को, किसी विषय को हम देखते हैं और कोई भी लेखक या जो है उसको अभिव्यक्त करता है तो उस विषय वस्तु का वो अपने अनुकूल, कोई भी कवि या लेखक हो, रचनाकार जो होता है वो अपने अनुकूल उसका सौंदर्य देने का पूर्ण प्रयास करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस कवि या इस लेखक का सौंदर्य बहुत अच्छा है या उसका कम है, किस विषय का सौंदर्य हम नहीं तोड़ सकते या बना नहीं सकते, सौंदर्य सबका है, अभिव्यक्ति की शैली से अपनी अभिव्यंजना है, जैसे हम अभिव्यक्ति देंगे वो वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे गुलाब का फूल किसी भिखारी ने पकड़ा है तो वो उसका महत्व कम हो गया, ऐसा नहीं है। विषय वस्तु अपने आप में पूर्ण रूप मानी जाती है और अपने उच्च कोटि की मानी जाती है, उसको प्रस्तुत करने की जो शैली या लय होती है वो अलग रूप ले लेती है। तो यहाँ पर इसीलिए वो कहते हैं कि कला जो है, कला यानी जो कला का मुख्य रूप है यानी विषय जो है वो अखंड है, उसको हम नहीं तोड़ सकते, उसके सौंदर्य को हम विभाजित नहीं कर सकते। अंततः मैं आपसे इस बारे में इतना ही कहूंगी कि अभिव्यंजनावाद साहित्य क्षेत्र में एक सशक्तपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बात रहा, जैसा आप चर्चा कर चुके हैं। इसका अर्थ मात्र अभिव्यक्ति का कला पक्ष नहीं है, अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। स्वतंत्रतावाद में हमने देखा कि किस प्रकार से कोई भी भावना को व्यक्त करने के लिए आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यंजनावाद में आप कला पक्ष में नहीं, जो आप अनुभूति लेते हैं, जो आप महसूस करते हैं और उसको उस भावना के साथ प्रस्तुत करते हैं, वो पक्ष भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आरंभ में इसको कलावाद का पर्याय समझा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सदृश सुधी समीक्षकों ने उस पर आक्षेपों की बौछार भी की, यानी इसके ऊपर काफी टिप्पणियां भी हुई, लेकिन ज्यों ज्यों इस बात के मूल तत्व और वास्तविक योगदान का उद्घाटन हुआ वैसे ही धीरे धीरे करके इसके महत्व को भी स्वीकार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वतंत्रतावाद और अभिव्यंजनावाद में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्वतंत्रतावाद जो है आपका, स्वतंत्रतावाद जो है वो आपको स्वतंत्रता देता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप, लेकिन अभिव्यंजनावाद आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता तो देता है लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ा देता है। जैसा आपने देखा
जैसा आपने समझा, जैसा आपने महसूस किया, उसको आप उसी स्वरूप में कितने न्याय संगत रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण। तो जितनी अपनी जगह पर देखा जाए तो अपने अपने समय में दोनों ही बात की बहुत महत्वपूर्णता रही, दोनों ही बात अपने अपने स्तर पर बहुत जो है अपने अपने रचनाओं के लिए जाने गए, अपने लेखकों के लिए जाने गए, और उस समय के बाद में उन तरह की रचनाओं का भी अपना महत्व रहा। तो साहित्य में ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण नहीं था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है स्वतंत्रतावाद और आपका अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमने देखा, आप लोग तो अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। जी मैम, चलिए विद्यार्थियों पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैम आपका कि इन चीजों को, इन विषयों को इतने गहराई से समझाने के लिए। और मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस व्याख्यान से संबंधित आपके कोई डाउट हो, मन में कोई संदेह हो, तो आप इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके मैम के समक्ष रख सकते हैं। अन्यथा अगर चैट बॉक्स को लिखने में आपको कोई दुविधा, बाधा वगैरह आ रही हो, तो आप इस माइक को अनम्यूट करके भी सीधे सीधे अपने द्वंद, अपने प्रश्न मैम के समक्ष रख सकते हैं। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा कि आपके जो कोई भी प्रश्न हो, मन में द्वंद हो इस व्याख्यान से संबंधित, उन्हें यहाँ पे रख सकते हैं। लिमिटेशन जी, मुझे नहीं लग रहा विद्यार्थियों को प्रश्न है, क्योंकि इलेक्टिव पेपर की भी बात होती है, थोड़ा सा अपने आप, जब हम वाद की बात करते हैं तो अपने आप में थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, क्योंकि जब हम नाटक कहानी, वो मुख्य रूप से थोड़ी सा कहें इंटरेस्ट का क्षेत्र रहता है हिंदी साहित्य, नाटक कहानी ये निबंध वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट। जब हम काव्य शास्त्र में थोड़ा जाते हैं, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र होती है, भाषा विज्ञान के संदर्भ में जाते हैं, तो अपने आप में थोड़ा सा क्लिष्ट एक विषय है, उसे पहले पढ़ना पड़ता है तब जाकर समझ में आती है चीजें। तो मुझे नहीं लग रहा कि विद्यार्थियों का कोई प्रश्न है। कोई बात नहीं विद्यार्थियों, अगर इसके इतर भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझ तक मेल के द्वारा या फोन करके पहुंचा सकते हैं। मैं आपके प्रश्न मैम तक पहुंचाने का कार्य कर दूंगा, उसके बाद मैम के जो भी उस प्रश्न से संबंधित उत्तर होंगे मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। तो मैं कुछ चीजें मैं बच्चों को जी बता जी देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि काव्य शास्त्र जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थी के मन में यही आता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये स्वच्छंदतावाद क्या है, ये अभिव्यंजनवाद क्या है, ये मार्क्सवाद क्या है। तो ऐसी स्थिति में ना उनको कोई विषय को पढ़ने से पहले ही वो हार मान लेते हैं या उस चीज को ग्रहण करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक सहज तरीका मैं बता देती हूँ आपको, एक जैसे स्वच्छंदतावाद है उसका आधार आप समझ जाइए कि स्वच्छंद जो बिल्कुल आजाद हो उसका मूलाधार ही वही है। अगर आप समझ जाएं कि स्वच्छंद यानी आजादी से लिखना, स्वतंत्र रूप से लिखना और अपनी अभिव्यक्ति देना वो है, तो उसके किस प्रकार से अलग अलग आयाम है, बस इतना आपको पढ़ना है कि उसका किस प्रकार से रूपरेखा बनी और कैसे उसका विकास आगे हुआ और कहाँ तक उसमें जो है साहित्य की रचना हुई, ये तीन स्तरों को आपको देखना है। ठीक उसी प्रकार से अभिव्यंजनावाद जो है किस प्रकार से हम हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति दे सकते हैं, उस चीज को देखना और उसको पढ़ना कि किस प्रकार से इसको एक स्वरूप दिया गया और इसका विकास क्रम हुआ और कैसे कैसे विकास होते हुए फिर साहित्य कैसे इसने अपने स्थान बनाए और किस प्रकार से हम इस चीज को आगे बढ़ पाए। तो इन तीन चार स्तरों को अगर समझ लेंगे और भाव कर लेंगे तो आपके लिए काव्य शास्त्र बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सहज है, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ने से और ये कोई भी कठिन प्रश्न ही नहीं आएगा। इसे समझने की जरूरत है, इसको पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी जी मैम, निश्चित रूप विद्यार्थी जीवन में होता है, हम लोगों के साथ भी जब शुरुआत में काव्य शास्त्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र शुरू करते हैं, आगे चल के जब पाश्चात में जाते हैं तब जाके है। थोड़ी चीजें समझ में आती है, नहीं तो शुरुआत में पहले पहले ये चीज होती है विद्यार्थियों का, हम लोगों के साथ भी हुई थी कि नहीं समझ में आती थी, सोचते थे हम लोग पढ़ के करना क्या। लेकिन जब हम आधुनिकवाद में जाएंगे, आधुनिक काल को जब चर्चा करेंगे, उस दौर में जैसे हम लोग छायावाद से शुरू करते हैं, तब उन चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं, तो क्लियर होता है कि कैसे उसका साहित्य में प्रभाव शुरू होता है। जी मैम, निश्चित तौर पर जैसे हिंदी साहित्य में रहा है कि आपका प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, तो उस तरह से आधुनिक काल ये सब चीज इस प्रकार से भाग के रूप में आई, वैसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी अपना शास्त्र है, बस उसी फर्क को ही थोड़ा सा समझना है। जी, निश्चित तौर पर मैम। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज की इस कक्षा के लिए मैम, अपना समय देने के लिए।
निश्चित तौर पर आगे फिर आगे अलग अलग विषयों के तौर पर हम लोग फिर निश्चित मिलेंगे, और आपसे आशा रहेगी कि आप इसी तरह अपना समय हमें देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार अपने विश्वविद्यालय और अपने विभाग की ओर से, आपका हार्दिक आभार मैम। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ, और आप लोगों से जुड़ के मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत सौभाग्य रहा। आगे से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य रहेगा। तो नमस्कार, जी मैम धन्यवाद। आप चाहें तो मैम अपनी ओर से कॉल पे एंड कर सकती हैं। मैं एंड कर देती हूँ। जी जी